गत दिनों हुई जोरदार बारिश के कारण शहर के अधिकतर स्थानों पर जल जमाव की स्थिति निर्मित हो गई थी और जल जमाव के कारण मलेरिया और डेंगू के मच्छरों की उत्पत्ति अत्यधिक मात्रा में होने के कारण इंदौर शहर में मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। डेंगू मलेरिया के बढ़ते मरीजों को लेकर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी बीएस सेतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि गत दिनों हुई अत्यधिक बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई और इसी जल जमाव के कारण मलेरिया और डेंगू के मच्छर उत्पन्न होते हैं। कल तक डेंगू के 12 मरीज की जानकारी सामने आई थी। इस सीजन में कुल डेंगू के 144 मरीज अब तक अस्पताल में इलाज हेतु आए हैं और फिलहाल 17 मरीज एक्टिव मरीजों के रूप में संख्या दर्ज की जा रही है। डॉक्टर सेतिया ने आगे बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए आम जनता को अपने घर में जमा हुए पानी को खाली करना है, जालीदार दरवाजा लगे, फूल आस्तीन की शर्ट पहने और मॉस्किटो कॉइल का इस्तेमाल करें। इस दौरान मच्छरों से बचने के सभी उपाय करने चाहिए। दो फिर क्यों करेगा सर? डेंगू मलेरिया में मरीज बढ़ते जा रहे हैं, कितनी संख्या बढ़ क्या है? इस बार हमारे पास जो आज का भी कल जो पेशेंट आए वो लगभग 12 पेशेंट के नए आए हैं और इनको मिला के लगभग 144 पेशेंट हमारे पॉजिटिव हो गए। अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो लगभग 17 केसेस हमारे एक्टिव है और डेंगू के केसेस अभी जो ये साल में है 144। इतने ये है कि बस अभी क्योंकि 2-3 दिन पहले हमारे पास बरसात, अभी 2-3 दिन बढ़ गई बंद हुई तो जल जमाव की भराव की स्थिति आपके कहीं ना कहीं आसपास रही होगी। तो आपका जहाँ पर भी ऐसा लगता है कि छत के ऊपर मटके हो या टायर पुराने हो या गमले हो उनमें अगर कहीं ऐसा पानी भरा हुआ है या कहीं छत पे पानी रुका है या ओवर हेड टैंक में कहीं पानी रुका हुआ है तो प्लीज़ आप देख लीजिए कि उनमें कोई छोटे बारीक बारीक कीड़े नहीं हो, जो उसको लार्वा बोलते हैं। तो ये लार्वा ही आगे चल के मच्छर को जन्म देता है। ये आसपास आपके घर के आसपास पोखर वगैरह कुछ भी हो, पानी रुका हुआ और वहाँ पर भी देखे तो वहाँ उनको आप लार्वा को ख़त्म करने के लिए या तो जला हुआ तेल डाल दें या फिर हमारी टीम जो जा रही है लगातार सर्वे कर रही है। शाम के समय आप दरवाजे वगैरह थोड़ा खुले करके बंद करके रखें ताकि मच्छर वगैरह टूटी रहे और फूल आस्तीन के कपड़े पहने, पानी अच्छे से पिए, थोड़ा प्रिकॉशन हम लोग सावधानी रख लेंगे तो ज़रूर रहेगा। क्योंकि अभी एक आध महीना का और ये रहेगा क्योंकि ये समय उनका ब्रीड के लिए बेहतर समय रहता है मच्छरों का, तो कोशिश करेंगे हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन रखेंगे वो अच्छा रहेगा। बाकी लार्वा सर्वे के लिए हमारी मलेरिया विभाग की टीम भी नगर निगम के साथ टीम के साथ कॉम्बिनेशन करके और बाकायदा हाउस टू हाउस लार्वा सर्वे भी टीम अलग अलग जगह कर रही है और उनको प्रिकॉशन और जहाँ पर भी ऐसा पानी में लार्वा दिख रहा है तो उसको इंसेक्टिसाइड वगैरह डाल के खत्म कर रहे हैं। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।